20 वाला। तो हम लोग आए हैं क्या करने के लिए, गेहूं लेने, छठ पूजा के लिए हम लोग आए हैं गेहूं लेने। और हम अपनी शॉपिंग स्टार्ट करेंगे। ये कौन सी दुकान है? महालक्ष्मी प्रोविजन स्टोर से। 20 वाला 5 करके कम कर दो, एसपी का प्योर 30 आएगा। अच्छा, उतना अपने 25 ज्यादा, बाकी पूरे इंडिया में 30 लिया पैसा। ऐसा क्या? तो एक काम करते ना, 10 किलो ही ले लेते हैं फिर, अपने तो पूजा के लिए चाहिए ना। मम्मी को चलो, गेहूँ ले लिया और बाकी कुछ जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। गेहूँ वगैरह लेके तो हम लोग घर आ गए, क्योंकि कल होके जब कल नहाए खाए हैं और नहाए खाए वाले दिन ही गेहूँ धोना रहता है, क्योंकि अगले दिन जब खरना होता है तो उसी आटे से खरना के दिन की रोटी बनती है, और फिर उसके नेक्स्ट डे उसी आटे से फिर ठकुए बनते हैं जो कि छठ पूजा का मेन प्रसाद होता है। तो इसलिए हम लोग छत पे गेहूँ वगैरह सब प्रिपेयर करके रेडी कर रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज नहाए खाए की सुबह है और हम सब यही डिसाइड कर रहे हैं कि छठ पूजा के लिए हम ना कौन सा वेन्यू डिसाइड करें, छत पे करें या गार्डन में करें। गार्डन में सूरज भगवान दिखने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो एक्चुअली जो छठ पूजा है ना, उसमें उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और डूबते हुए सूरज दोनों को, तो छत ही बेस्ट ऑप्शन लग रहा है फिलहाल के लिए। तो वही देख रहे हैं हम कि क्या सेटअप करें, क्या क्या करें, क्योंकि गार्डन में इतने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं कि अच्छे से कुछ भी विजिबल नहीं होगा। और जब सूरज भगवान उगते हैं ना, उसी टाइम उनको बहुत, उनकी जो लालिमा होती है वहीं पे अर्घ दिया जाता है। तो फाइनली डिसाइड कर लिया है कि अब छत पे ही कर लेंगे। और आज नहाए खाए हैं तो आज लौकी भात बनना है। मतलब यहाँ पे भी सूरज भगवान दिखने में थोड़ा सा टाइम तो लग जाएगा, इतने सारे झाड़ है ना कि थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाने वाला है। हाँ, और ये छत भी काफी अच्छा है, एकदम बढ़िया फैल है। इसको जब भी भूख लगती है तो आके बस हाथ के पूछ हिलाने लगती है कि हाँ मुझे खाना दो, तो समझ जाते हैं कि अभी ये जाने वाली नहीं है, जब तक खाना नहीं खाएगी तब तक। तो अभी आज जैसे कि नहाए खाए हैं तो आज सभी लोग घर के लोग नहा के खाएंगे, और जो छठ का व्रत करेंगे ना वो भी नहा के एकदम अच्छे से सारी चीज़ें प्रिपेयर करेंगी, और फिर चूल्हा पूजन होगा और फिर जाके खाना बनेगा। इसमें ना 2 दिन तक ना कंटिन्यूस निर्जला व्रत रखना होता है। इतना कठिन होता है ये व्रत ना, इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। इसमें इतने सारे नियम होते हैं, बहुत सारे नियम से सारी चीज़ें करनी होती है। तो आज अब बस यही सारी तैयारियां चल रही है। मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे मम्मी कढ़ाई नहीं लाई? कढ़ाई लाए ना, तो कढ़ाई हम बनाती है, कुकर में बना रही है। वो कहीं की गलेगा ना, मैं
वह कुकर में चढ़ाए, नहीं तो दाल लजवा के तब चढ़ाए चलेगा। इतना बराबर है तो नमक बराबर है, डाल लो। सीधा नमक तो ऐसे ही कम लगता है। आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।